देखिए, राहुल गांधी जी की यात्रा पूरे देश के अंदर ही जिस प्रकार कारवा चल पड़ा है उसका बड़ा इम्पैक्ट है। यात्रा का तो एक मार्ग शीर्ष है, परंतु पूरे मुल्क के, हर राज्य के, हर जिले के, हर गांव के और हर घर का इश्यू है ये, महंगाई का, बेरोजगारी का। और ये मौलिक बात है देश के अंदर, मानवता में, अगर घर में भी झगड़े होते हैं आपस के भाइयों के, वो घर कभी ऊपर नहीं उठता है। ये बात लागू होती है जिले में, प्रदेश में, देश के अंदर। अभी जो देश के हालात है उसमें आपस में तनाव बहुत ज़्यादा हो गया है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, तो वो विकास में रुकावट पैदा करेगा। तो पहला ध्येय महंगाई, बेरोजगारी और ये नॉन वायलेंस, प्यार मोहब्बत भाईचारा हो सबने, ये राहुल जी का संदेश है। इसी को लेकर चल पड़े सब लोग। आप देखा राजस्थान के अंदर दूसरा आप जिला है, इतिहास बना दूसरा ने भी भयंकर, यहाँ पर जो लोग सड़कों पर आए हैं और नौजवान आ रहा है, वो समझ गया कि बेरोजगारी हमारे लिए एक चैलेंज है। तो मैं समझता हूँ कि पूरी यात्रा का मकसद जो है, तीन मकसद लेके चल रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी कामयाबी उनको मिल रही है। पूरे देशवासियों की जो भावना है उसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डेमोक्रेसी में यही होता है। यात्रा में लाखों लोग चल रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि केंद्र सरकार खुद जो है डिस्टर्ब हो रही है। आज मैंने अभी पत्र पढ़ा है मनसुख भाई का, नाम मांडविया, मनसुख दास मांडविया जी, तो वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। अभी मैंने पत्र देखा है, कल का ही है। आप देखिएगा इनके हालात क्या, कितने बौखलाहट है। दो मेंबर पार्लियामेंट, ये पीपी चौधरी पाली के, एक न्याज सिंह जी गंगानगर के, वो कल ही पत्र लिखते हैं उनको कि राजस्थान में यात्रा चल रही है और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, और क्यों कोरोना फैल रहा है तो इसलिए आप इनको पाबंद करें कि ये कोरोना किस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं। और तो मनसुख जी जो है उसी 20 तारीख को पत्र लिख रहे राहुल गांधी जी को, कल ही लिख रहे हैं लेटर। अभी हमारे पास तो सोशल मीडिया में आया है कि आप ये सब प्रिकॉशन कीजिएगा, मास्क की भी, डिस्टेंसिंग की भी, क्वारंटाइन करने की भी। ये बौखलाहट का एक बड़ा नमूना सामने आया देश के सामने। मेरे ख्याल से यात्रा शुरू होने के बाद में पहला पत्र आया होगा केंद्रीय मंत्री का, तो आप सोच सकते हो कि कितनी घबराई हुई है केंद्र सरकार कि केंद्रीय मंत्री लिख रहे हैं भूमिका बनाने के लिए, कल हमें रोकनी पड़े यात्रा को आगे, तो कम से कम हम भूमिका बनाएं, उस आधार बनाने के लिए पत्र लिखा गया होगा जो मैं अभी देख रहा हूँ। अभी मैं रास्ते में पढ़ के उतर ही हूँ, तो आप सोच सकते हो कि ये हालात है। तो बीजेपी खुद विचलित हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है, और होना स्वाभाविक है। जो सफलता मिल रही यात्रा को, अब इनके नड्डा साहब आए थे यहाँ जयपुर में, अभी 10 दिन पहले 15 दिन पहले आए थे, आक्रोश रैली का आह्वान किया, वो मीटिंग भी फेल हुई उनकी। अब आक्रोश रैलियाँ वो कहाँ गई इनकी, वो छिप गई है या गायब हो गई है। दो तीन जगह विरोध हुआ उनका, हमने पढ़ा अखबारों के अंदर। तो इनकी आक्रोश रैली फेल हो रही है, लोग इनको पूछ रहे हैं कि आक्रोश तो हमारा आपके खिलाफ में है कि आप आज 4 साल तक कहाँ छिपे रहे हो, एक मुद्दा भी सरकार के खिलाफ नहीं बना पाए हो, और हमने इतिहास बनाया है राजस्थान के अंदर। आज जो हमारी स्कीमें हैं, एक मॉडल स्टेट के रूप में राजस्थान उभर के आ रहा है देश के अंदर। इसके में जो हमने दी है, चाहे वो कर्मचारी ओपीएस हो, चाहे चिरंजीव योजना हो, राइट टू हेल्थ बिल पेश कर रहे हैं हम लोग, चाहे उड़ान योजना हो महिलाओं के लिए, लोग संकोचे बोलते नहीं है। महिलाएं गांव में बार बार इन्फेक्शन होते हैं उनके, और माहवारी के अंदर, और वो बार बार कई बीमारी बन जाती है, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, कैंसर रहते हैं, गूंगट में वो संकोच बोल नहीं पाती है। अब संकोच छोड़ो, हमने 12 नैपकिन सरकार की तरफ से प्रति माह देना तय किया है,
500 करोड़ रुपये खर्च करेंगे हम लोग, ज़्यादा भी खर्च हो सकते हैं। तो एक के बाद एक जो योजना हम लेके आ रहे हैं, इंदिरा गांधी जी के नाम के शहरी रोजगार योजना नरेगा की तरह, वो भी वरदान साबित हो रही है। तो ये जो योजना हमने बनाई है, ये देश के किसी राज्य में नहीं की योजना है। तो इसमें से तो मैंने आपको कहा कि राजस्थान में यात्रा निकली है और हमारी यात्रा प्रारंभ रहेगी आगे भी। जल्दी प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपना अधिवेशन कर रही है, उसमें जो राजस्थान भर के लोगों की भावनाएं होगी, सुझाव होंगे, उसके आधार पर जो प्रस्ताव पास वो करेंगे, मैं प्रयास करूंगा कि उसमें मैं किस प्रकार से बजट में समावेश कर सकूं जन भावनाओं को। क्योंकि पहले घोषणा पत्र हुआ करते थे, अब राहुल गांधी ने कहा कि आप जनता से पूछ के बनाओ घोषणा पत्र।